हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन वो ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। मीरा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वो तो ना ज्यादा किसी से बात करती और ना ही किसी के सामने जाती, बस चुपचाप दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती, जैसे उसकी जिंदगी की सब उम्मीदें ही अब खत्म हो चुकी हो। मीरा की माँ कमला उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसको अपनी बेटी का दुख खाए जा रहा था। दिन पर दिन वो खुद को बस और अकेला जू करती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही मीरा अकेले ही अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी और कुछ सोच में डूबी हुई थी। तभी वहाँ उसकी माँ कमला आती है और अपनी बेटी को ऐसे परेशान देखकर वो खुद भी परेशान हो जाती है और अपनी बेटी मीरा से कहने लगती है, बेटी मीरा, तू कब तक ऐसे ही खुद को अकेली रखेगी? ऐसे रहने से क्या होगा? बाहर निकल, लोगों से मिल, हंस बोल। यूं तेरा उदास रहना मुझे खलने लगा है। मुझसे ये तेरी हालत देखी नहीं जाती अब, और मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। मीरा अपनी माँ कमला की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मीरा को ऐसे देखकर कमला कहती है, मीरा फिर से ऐसे ही चुपचाप चली गई। कभी तो मेरी बातों का जवाब दे दिया कर, ये कान तरस गए हैं तेरी आवाज सुनने को। मीरा उसकी एक नहीं सुनती। देर रात मीरा के पापा सुरेश काम से आते हैं और जब वो हाथ मुंह धोते हैं तब तक मीरा की माँ कमला उनके लिए खाना लेकर आती है। सुरेश अब खाना खाने लगता है। सुरेश कमला से कहता है, मीरा ने खाना खाया? वो तो अब तक सो भी गई होगी। मुझे आज आने में बहुत देर हो गई है। आज मैं अपनी बेटी से ठीक से बात तक नहीं कर पाया हूँ। मुझे तो खुद दिन पर दिन अब उसकी चिंता होती जा रही है। ना कुछ बोलती है, ना किसी से मिलती है। दिन भर बस एक कमरे में रहती है। ऐसे कब तक खुद को वो तकलीफ देती रहेगी? कमला, तुम जानती हो कि मीरा अपने साथ हुए हादसे को अब तक नहीं भूल पाई है, और भूलेगी भी कैसे? किसी भी औरत के लिए ये भूल पाना बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूँ भूल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या खुद को ऐसे अकेले रखना, अकेले समझना ये सही है? ये इस बात को नहीं समझती कि इसके साथ हम सब हैं, और जब तक हम लोग हैं इसके साथ इसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कमला अपनी बेटी मीरा के लिए एक सुंदर सा लाल रंग का सूट लेकर आती है और अपनी बेटी मीरा के पास जाकर उससे कहती है, मीरा बेटी ये देखना, अपनी पसंद का तेरे लिए लाल रंग का सूट लेकर आई हूँ। इसमें तू बहुत सुंदर लगेगी, जा जरा पहन कर तो आ। माँ, मैं ये सब नहीं पहनना चाहती। आपको पता है ना कि मुझे हल्के रंग ही अब बहुत भाते हैं। ये सब मेरी किस्मत में कहा। ऐसे क्यों बोल रही है बेटी? जो हो गया सो हो गया, कब तक खुद को ऐसे तकलीफ देती रहेगी? अभी तो तेरी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और तू उसको खत्म करने पर लगी है। सब मेरी गलती है। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप खुद को दोष मत दीजिए। तू क्यों रंगों से दूर भागती है और कब तक भागती रहेगी? इन चीजों से बाहर निकल। उसकी ऐसी उदासी देखकर एक दिन कमला अपने पति सुरेश से कमला की शादी के ऊपर बात करती है और सुरेश को कहती है, देखिए मैं क्या सोच रही थी, हमें अब मीरा की शादी करवा देनी चाहिए। वो मुझे लगता है मीरा की शादी हो जाने के बाद वो ठीक हो जाएगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी कुछ दिन यही सोच रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। ऐसे ही समय बीतता है और कमला के पिता सुरेश मीरा के पास जाकर उससे कहते हैं, बेटी एक रिश्ता आया है तेरे लिए, लड़का बहुत अच्छा है और हम लोगों ने उसे उसके पूरे परिवार के साथ बुलाया है तुझे देखने के लिए। लेकिन पापा, मुझे कोई शादी नहीं करनी। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मैं आप लोगों पर बोझ बनती जा रही हूँ जो मुझे किसी के साथ भी यहाँ से भेजने को कहते हैं? बेटी तू ये सब कैसे सोच सकती है? मैं तेरा पिता हूँ और अब मैं जब तुझे रोते हुए देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की जिद की वजह से मीरा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद मीरा को लड़के वाले देखने आते हैं। लड़के वालों को मीरा बहुत पसंद आती है। मीरा की होने वाली सास सुधा कमला के पास जाकर उससे कहती है, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है आपकी। इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। चलिए कुछ समय अब इन दोनों को अकेले में बात करने देते हैं। देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। सब लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं और अब कुछ देर मीरा और विशाल आपस में बातें करते हैं और शादी के लिए दोनों हाँ कर देते हैं। बीते समय के साथ पूरे विधि विधान से मीरा और विशाल की शादी होती है। मीरा अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रह रही थी।
एक रोज मीरा की दोस्त गौरी मीरा के घर आती है उससे मिलने, लेकिन उसे मीरा वहाँ नहीं मिलती। मीरा की माँ कमला मीरा की शादी की बात गौरी को बताती है। गौरी ये सुनकर बहुत खुश होती है और कमला से कहती है, आंटी जी मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि मीरा ने शादी कर ली, मैं भी उसको मिलने आऊंगी। एक काम करती हूँ, बिना बताए मिलने जाती हूँ और उसको सरप्राइज देती हूँ, उसको अच्छा लगेगा। दो दिन बाद गौरी बिना बताए मीरा के ससुराल चली जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि मीरा और विशाल किसी काम से बाहर गए हुए हैं। मीरा की सास सुधा गौरी के लिए पानी लेकर आती है और उससे कहती है, अच्छा तो तुम मीरा की दोस्त हो? हाँ जी। बहुत ही प्यारी बच्ची है मीरा। हाँ जी वो तो शुरू से ही है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा महान हो जो सारा सच जानने के बाद भी उसको एक इतना सुंदर पति दिया और आप एक अच्छी सास बनके उसका साथ दे रही हो। कैसा सच? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कुछ समय पहले मीरा की नई नई शादी हुई थी, एक छोटा बच्चा भी था। ये पूरा हंसता खेलता परिवार कहीं से घूमकर आ रहे थे कि तभी एक ट्रक से इसके पहले पति राहुल की कार टकरा गई। पति और बच्चे की मौत तो उसी वक्त हो गई, लेकिन मीरा की जान बच गई। तब से मीरा एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी बिता रही थी। सुधा मीरा की ये बातें सुनकर तिलमिला जाती है और उसे लगने लगता है कि उससे ये राज जानबूझकर छुपाया गया है। कुछ देर बाद गौरी वहाँ से चली जाती है और जब विशाल और मीरा घर आ जाते हैं तो मीरा के घर आते ही सुधा मीरा के पास जाकर उससे कहती है, आ गई करमजली, नाश हो तेरा नाश। ये मासूम चेहरा लेकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तूने और तेरी माँ ने। एक की तो जिंदगी खा ही गई, अब मेरे बेटे की भी जिंदगी खाएगी। माँ ये सब क्या बोले जा रही हो आप मीरा से? अरे क्यों ना बोलूं बेटा, सच सुनेगा तो तू भी यही बोलेगा। सच? कैसा सच माँ? यही कि ये इसकी दूसरी शादी है, पहला पति और एक बच्चा था जो कि मर गया। माँ आप चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। मुझे मीरा ने शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था और वो ये शादी करना भी नहीं चाहती थी। उसके माँ बाप के कहने पे वो शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे मीरा के अतीत से कोई लेना देना नहीं है। और माँ आप खुद भी तो एक औरत हो, और किसी औरत के लिए यह हादसा बहुत बड़ा हादसा है। और माँ इस वक्त हमें मीरा की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सके। बेटी की बात सुनकर अब सुधा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसको लगता है कि उसने मीरा को जो कुछ भी बोला वो सब गलत बोला। सुधा अपनी बहू मीरा से कहती है, मुझे माफ कर दे, मैं एक औरत होकर तेरे दर्द को नहीं समझ पाई। सुधा को अब अपनी गलतियों का एहसास होता है कि आखिर वो कितनी गलत थी जो कि अपनी बहू के अतीत के लिए उसके वर्तमान और भविष्य पर सवाल उठा रही थी। जिसके बाद अब सुधा अपनी बहू से माफी मांगती है, और मीरा भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानती थी इसीलिए उसे माफ कर देती है। जिसके बाद मीरा अपना अतीत पूरी तरह भुलाकर विशाल के साथ खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। सार्थक ने अपने गले में फंदा फसाया हुआ था, वो था बीवी और सौतन का। सार्थक की शादी निशा नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके बीच अनबन आने की वजह से सार्थक कावेरी नाम की सौतन ले आया निशा के लिए। जिसके बाद सार्थक की जिंदगी का कलेश कम ही नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया। ऐसे ही एक शाम जब निशा कपड़े सुखाकर छत से नीचे आती है तो हॉल में बैठी अपनी सौतन कावेरी से कहती है, ओ माँ रानी, यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आई हो क्या? चुपचाप जाकर कोई काम कर लो, वरना भूल जाओ कि मैं अपनी सौतन को मुफ्त में खाना पका के दूंगी। तुम मुझे खाना मत दो, मेरे सार्थक मुझे बाहर रेस्टोरेंट ले जाएंगे। वैसे भी मेरे रूप के जादू में डूबा मेरा सार्थक मुझे भूखा कहाँ रहने देगा। अरे जाओ, वो दिन गए जब तुम्हारा ये रूप रंग सार्थक पर असर करता था। अब ना उसको तुम्हारी अदाएं पसंद है ना ये रूप। वैसे भी जब मुर्गी पुरानी हो जाए तो वो दाल वाला स्वाद ही देती है। अरे तुम जाओ ना, एक बार बारिश आने दो। मैं और सार्थक बारिश के समय ही मिले थे और इस बार की बारिशों में मैं उसे दोबारा अपना बना लूंगी। बारिश की आस और मेरी सौतन की प्यास इस बार अधूरी ही रह जाएगी। निशा इतना बोलकर चली जाती है, लेकिन कावेरी के मन में अब तक जलन की आग भड़क रही थी। वो बेसब्री से बारिश का इंतजार करने लगती है जिससे वो दोबारा से सार्थक के साथ रोमांटिक हो सके।
उसके लिए एक शाम बारिश का मौसम होने पर कावेरी रवीना टंडन जैसी साड़ी पहनकर सार्थक के पास जाकर कहती है, सार्थक देखो मुझे और बताओ ना ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है। लग रही हूँ ना मैं मोहरा फिल्म की रवीना टंडन। बस एक बार बारिश हो जाए फिर देखना कैसे तुम्हारी ये कावेरी टिप टिप बरसा पानी पर तुम्हें सेक्सी डांस करके दिखाएगी। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे भी बारिश का इंतजार है, लेकिन उस बारिश के आने से पहले तुम यहाँ से निकल लो क्योंकि मुझे बहुत काम है। बारिश के आने पर आना, तब शायद मेरा मूड ठीक हो तो मैं तुम्हें देखूं। सार्थक इतना बोलकर कावेरी को वहाँ से भगा देता है, लेकिन ये सब दरवाजे पर खड़ी निशा सुन लेती है जो अपने मन में कहती है, मैं भी देखती हूँ बारिश की आस में मेरी सौतन अपने प्यार की प्यास को कैसे बुझाती है। अरे बारिश ही नहीं आने दूंगी मैं। शाम के समय बना बारिश का मौसम कुछ ही देर में सामान्य हो जाता है और बेचारी कावेरी बिना अपनी प्यार की प्यास बुझाए रह जाती है। ऐसे ही अगले दिन दोपहर के समय काले घने बादल से आसमान घिरा था। ये देखकर कावेरी वापस से हॉट सी ड्रेस पहनने जा ही रही थी कि तभी निशा उसके सामने आकर उसे टोकते हुए कहती है, सुनो घर में बेसन आलू प्याज खत्म है, जरा मार्केट जाकर ले आओ। अरे बारिश होने वाली है बाद में ले आऊंगी। सार्थक को ना पकौड़े खाने हैं अभी बारिश के आने पर, और उन्होंने ही कहा था कि मैं तुम्हें भेज दूं। नहीं यकीन आता तो पूछ लो। सार्थक आपको बारिश में पकौड़े खाने हैं ना, देखो ये कावेरी बेसन नहीं ला रही। कावेरी ले आओ ना, वैसे बड़ा प्यार दिखाती हो लेकिन कुछ करने का टाइम आता है तो पीछे हट जाती हो। मुझे निशा के हाथ के पकौड़े पसंद है इसीलिए जल्दी से सामान ले आओ। जिसके लिए बारिश का इंतजार कर रही हूँ अगर वो ही गुस्सा हो जाएगा तो रोमांस क्या खाक करूँगी। लाओ दो पैसे, ला रही हूँ। निशा कावेरी को पैसे दे देती है और उसको मार्केट भेजने के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, अब देखती हूँ तुम बारिश में मेरे पति के साथ रोमांस कैसे करती हो। अरे जो सामान मैंने बोला है वो आसपास की किसी मार्केट में नहीं। बारिश की वजह से बेसन सभी दुकानों पे खत्म है तो भटको दूर दूर तक। ऊपर से जब तक वापस आओगी बारिश होकर जा भी चुकी होगी। निशा का प्लान कावेरी पर सच में भारी पड़ता है और वो आसपास की सभी दुकान पर सामान का पता करती है, लेकिन उसे कहीं भी सामान नहीं मिलता और तभी बारिश होने लगती है। ये देखकर कावेरी कहती है, लो हो भी गई बारिश, अब क्या करूं? जल्दी से सामान लेकर घर पहुंचती हूं, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। कावेरी जल्दी से सामान लेती है और वापस घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन किस्मत तो देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में वो एक नाले में गिर जाती है जहां वो ऊपर से नीचे तक कीचड़ से सन जाती है। कुछ ही देर में घर की डोर बेल बजती है और सार्थक के दरवाजा खोलने पर सामने कीचड़ में सनी कावेरी खड़ी होती है, जिसे देखकर सार्थक कहता है, कौन हो तुम? यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, चलो निकलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। कौन है सार्थक? पता नहीं कौन है, गंदी सी कीचड़ से सनी है और हमारे घर के आगे खड़ी हो गई। सार्थक मैं तुम्हारी कावेरी बारिश में जल्दी जल्दी आने के चक्कर में नाले में गिर गई। क्या कावेरी? छी तुम में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, तुम्हें वार्निंग है अगले दो हफ्ते तक मेरे पास मत आना। चलो पीछे वाले गेट से आकर साफ कर लो खुद को। कावेरी पीछे वाले दरवाजे से आकर बाथरूम में जाकर खुद को साफ कर लेती है तो वहीं ये सब देख रही निशा बहुत हंसती है। इतने में नहा धोकर कावेरी हॉल में आती है तो देखती है कि सार्थक आराम से बैठकर पकोड़े खाते हुए चाय पी रहा है। ये देखकर कावेरी निशा से कहती है, तुमने कहा था कि घर में बेसन प्याज खत्म है तो सार्थक कहाँ से खा रहे हैं पकौड़े? अब तुम्हारे भरोसे बैठती तो पूरी बारिश ऐसे ही निकल जाती, इसलिए मैं पड़ोसन से थोड़ा बेसन और प्याज मांगकर सार्थक के लिए पकौड़े बना लाई। अब अपने पति की बारिश में पकौड़े खाने की फरमाइश को नजरअंदाज थोड़ी करती। हाँ हाँ अच्छे से जानती हूँ, मुझे बाहर भेजकर खुद बारिश के रोमांटिक मौसम में सार्थक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। कोई नहीं आज तो भेज दिया, अब आने दो बारिश को, देखना इस बार तो मैं अपने प्यार की लौ ना बुझने नहीं दूंगी। इतना कहकर कावेरी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बारिश नहीं होती तो निशा को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक शाम सार्थक बहुत अच्छे मूड में घर आता है जहाँ कावेरी उसको पानी देती है, जिस पर सार्थक कहता है, अरे वाह कावेरी आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, वैसे अगर बारिश का मौसम हो रहा होता तो मजा आता,
मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता। अच्छा जी, ऐसी बात है तो हे भगवान, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। अरे वाह, ऐसी बात है तो मैं और जोर जोर से हंस देता हूँ। इतने में ही बाहर से तेज बादल गरजने की आवाज आती है। उनकी आवाज सुनकर सार्थक कावेरी से कहता है, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली, बादल गरज रहे हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सच में? रुक जाओ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कावेरी जल्दी से अपने कमरे में तैयार होने जाती है, लेकिन सार्थक और कावेरी की सारी बातें निशा सुन लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में खुद से कहती है, एक तो मेरी सौतन मेरे ही घर में मेरे ही पति पर बीवियों वाला हक जमाती है, उस पर अब ये बारिश में घूमने भी जाएगी मेरे पति के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी सौतन की बारिश की आस और प्यार की प्यास पूरी नहीं होने दूंगी। कुछ देर में कावेरी फिर से वही रवीना टंडन वाली साड़ी पहनकर नीचे आती है और देखती है कि सार्थक कहीं नहीं है। वो पूरे घर में सार्थक को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी कावेरी को हॉल की टेबल पर रखा एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था, सॉरी सौतन जी, लेकिन ये बारिश की आस में जो तुम अपने अंदर प्यार की प्यास जगाई हुई थी ना, उसको बुझाने के लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की बारिश में तो मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, तो सी यू। लेटर पढ़कर कावेरी गुस्से में उसे फाड़ते हुए कहती है, निशा की बच्ची, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, अरे ये बारिशों का मौसम मेरी आखिरी बारिश है शायद। बेचारी कावेरी अपने मन में बारिश की आस में रोमांस की प्यास लिए घर में ही रह जाती है, और निशा सार्थक के साथ इस रोमांटिक मौसम में बाहर घूमने जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।